इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया दुनिया में पावर कितना है कांग्रेस का। और कांग्रेस जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, जो कि तीसरी दो दिवसीय बैठक जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की रणनीतियां से संबंधित कई मुद्दे पर चर्चा करने का ठोस रोड मैप तैयार किया गया। और उसके बाद समाप्त सूत्रों ने कहा कि समझावे में जो कुछ भी आ रहा है कांग्रेस का वो समझाया जाए और राज्य में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाए। तो जिस तरीके से पहले दिन सीट के बंटवारे पर चर्चा हुई, वो पहले दिन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री जदयू नेता नीतीश कुमार के साथ कई तमिलनाडु के भी डीएमके मुख्यमंत्री सब कुछ वहां पे शामिल थे। और उन्होंने सूत्रों में बताया कि कैसे बैठक के दौरान सीट बंटवारे समेत मुद्दे पर चर्चा होगी। तो वहाँ पे खुल कर के बात किया गया कि जितने लोग भी हैं उनको सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास पहले से ही उतना सीट है तो उनके लिए जीत का बहुत ज़्यादा आसार दिखाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि सीट बंटवारे की रणनीति को जल्द से अंतिम रूप देने के लिए इंडिया के नेताओं द्वारा आम सहमति बनाई जा रही है, ताकि विपक्षी दल हर सीट पर भाजपा से मुकाबला करने के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर सके। बैठक से मिलने के बाद केजरीवाल से भी पूछा गया कि क्या दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि सीट का बंटवारा पूरे देश में होगा और हमने कहा कि ऐसी बात सीटों का बंटवारा हर राज्य में होनी चाहिए, जो कि जितने भी लोग चुनाव में आ रहे हैं वो अपने सीट को कायम रखे और कांग्रेस को जीत दिलाने में मदद करे। तो आज शाम को मीटिंग फिर एक बार तहलका मचाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर सकते हैं।